आपको देखने से लग गया होगा कि कितनी स्वादिष्ट है हमारी ये बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी के लिए हमने पहले चीला तैयार करना है। उसके लिए हमने 70 ग्राम के आसपास बेसन लिया है, जो कि लगभग एक कटोरी से थोड़ी सी कम है। और उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने एक छोटे साइज का डाला है, इसे काट के बारीक बारीक, और 2 से 3 हरी मिर्च और कुछ हरी धनिया के पत्ते। और मसाले में हमने धनिया, हल्दी और लाल मिर्च और ये खड़ा जीरा, नमक, सारे मसाले को हमने आधी आधी चम्मच डाल के इसमें पानी थोड़ी थोड़ी डाल के इसे इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार से आप धीरे धीरे करके पानी डाल के इसे मिलाते रहें ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अब एक साथ पानी दे देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी, तो इसीलिए धीरे धीरे पानी डाल के इसका जो घोल हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका घोल तैयार हुआ है। अब हम इसका चीला बनाते हैं। तो उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया, उस पर तेल डाला है। तेल हमने लगभग 1 चम्मच डाला है और 1 छोटी चम्मच तेल, और इस प्रकार से हमने इसे इस पर डाला है। तो यहाँ फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस प्रकार से देखिए हमारा एक तरफ सिक चुका है। तो डालने के बाद आप थोड़ी सी आप स्प्रेड कर दें, थोड़ी सी फैला दें इसको। तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ अच्छे से पक गया है चीला। तो इसी प्रकार से हम सारे चीले को हम बना लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा 3 चीला बना है ये। तो अब हम चीले को लेंगे और उसे इस प्रकार के शेप में कुछ काटेंगे। ये लगभग स्क्वायर के शेप में काटेंगे हम इसे। शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने एक चीले को इसे 4 भागों में से काट के इस प्रकार के शेप में काटा है। हमने एक ही चीले का सब्जी बनाया है, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से चीले का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 9 पीस इसे तैयार किया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं। वही फ्राई पैन लेंगे और तेल थोड़ी सी हम ज़्यादा डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच, और उसमें 1 चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे और 2 से 3 हमने जो हरी मिर्च काटा था उसे डालेंगे। तो थोड़ा सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे रोस्ट होने के बाद। तो ये देखिए मैंने प्याज को, हमने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसे इस प्रकार के शेप में काटा है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी ये है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में हमने धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सारे मसालों को दे के थोड़ी सी पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से भुनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये मसाला तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर का प्योरे डालेंगे। टमाटर की मात्रा इसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे ताकि ये जो इसका ग्रेवी बनेगा बहुत ही बढ़िया और थोड़ी सी खटास आएगी सब्ज़ी में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस टमाटर की ग्रेवी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल के मिलाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे गरम मसाला का हमने प्रयोग किया है लगभग 1 चम्मच, और हरी धनिया इसमें डाल दिया है, और डाल के इसे अच्छे से मिला के अब जो हमने चीला को जो काट के रखा था उसे हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक उसे इसमें देख के हम पका नहीं सकते, क्योंकि हमारा पहले से ही पका है। तो ज़्यादा पकाने के बाद ये बिल्कुल गल जाएगा, ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। तो हमने बस उतारने के समय इसे डाल के बस आधी मिनट से 1 मिनट के लिए इसे एक बार मिला देंगे, चला लेंगे, और हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो ये फाइनली हमारा बेसन की सब्ज़ी बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी इसकी ग्रेवी है। आपको देखने से लग रहा होगा ना कि बिल्कुल यूनिक और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर में इस प्रकार की रेसिपी बनाएं फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो है ना बिल्कुल लाजवाब, आपको देखने से टेस्ट का अंदाज़ा तो लग रहा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।